हेलो एवरीवन, तो सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि जो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम है, आज उसका पहला दिन था और जनरल जो है अवेयरनेस वाला पेपर था उनका, जीएस और लैंग्वेज का पेपर था और काफ़ी मॉडरेट पेपर था। कुछ कुछ जो है काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन आए थे, पर जहाँ तक स्टूडेंट्स का कहना है कि मैथमेटिकल वाला जो है ज़्यादा पेपर इस बार पूछा था, तो आप लोग भी उसी तरीके से अपने जो है पार्ट ए के लिए मैथ्स और रीजनिंग जो है कम से कम थॉरली कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए के लिए अगर हम बात करें तो आपका 100 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पार्ट ए में पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आपके आते हैं और जो कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहता है। तो जिस तरीके से हम लोग यूजी का देख रहे हैं कि पेपर बहुत मैथमेटिकल था, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और जैसे नोबेल प्राइज़ के जो आपके विनर्स थे उनसे रिलेटेड है ना, और आपके कुछ योजना से रिलेटेड, तो आप लोग लगातार यूजी का भी एनालिसिस देखते रहिए किस तरीके से पेपर आपके आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, क्या ईजी है, मॉडरेट है। पर पहले दिन ही आज पेपर जो है वो थोड़ा मॉडरेट था, बहुत ईजी भी नहीं था, तो इसीलिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा अपना अपग्रेड करके ही तैयारी करें, एकदम लो लेवल का तैयारी मत करेंगे तो फिर जो है आगे जो है मामला फंस सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि जो है थोड़ा सा जो मैथमेटिकल पार्ट है, जैसे आपके पार्ट ए के लिए स्पेशली जो रीजनिंग है, मैथ है, उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि DU जो है वो पार्ट ए के भी जो है नंबर को कंसिडर करने वाला होगा, ठीक है। अगर बात रही एग्ज़ाम के डेट्स की, तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर इनके शिफ्ट होता है तो लास्ट जून तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, या आपका मिड में ही जा सकता है। हो सकता है नेट का एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम को शिफ्ट करना इजी है, बट आपका जो एग्ज़ाम है बेसिकली उसको शिफ्ट करना एक मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला भला। और पिछले साल के जो है कट ऑफ को आप देखते रहिए है ना, लेवल अपना थोड़ा सा अपग्रेड करिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें तो नहीं पूछेंगी, पर जो सिलेबस के अंदर है वही चीज़ें पूछेंगी, थोड़ा घुमा के पूछेगा है ना। करंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो करंट भी वाला भी पार्ट जो है आप अपने सिलेबस को देखते हुए सिंक करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। और डेट्स को लेके थोड़ा सा चिंतित मत होइए, अपना बस यही डेट समझ के रखिए कि 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करते रहिए। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा देर सोचेंगे तो आप ऑब्वियसली बात है थोड़ा रेस्ट करने लगोगे और तैयारी उतनी हो नहीं पाएगी। तो कोशिश ये करो कि आप 5 को सोच के चलो, बस सोचो कि 15 दिन है और इसी हिसाब से अपना रिवीजन, प्रिपरेशन, टेस्ट जो लगाना हो वो सारी चीज़ें आप लगाते रहो, ठीक है। डेट ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड नहीं हो सकता है, और क्योंकि फटाफट आपका एडमिशन भी इन लोगों को कंडक्ट करवाना है, तो जो कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम जो कि हो चुका होगा और एंसर की और आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, फिर उसके बाद जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ वो भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बात करें लगभग 190+ यूनिवर्सिटीज़ जो है पार्टिसिपेट कर रही है, और 5 लाख स्टूडेंट ने एप्लीकेशन किया है आपके CUET PG के लिए, तो टफ जो है आपकी कंपटीशन होने वाला है। कोशिश करिए अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सके, जिससे कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सके, ठीक है। तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई भी सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते रहिए, ठीक है। टेस्ट लगाते रहिए, अपने लेवल से ऊपर यानी नेट के जितने भी पेपर है उसको सॉल्व करते रहिए, वो भी चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, अपने लेवल से ऊपर का देखेंगे तो कम से कम आपके नीचे का तो जो है वो रेडी होते जाएगा, ठीक है, आपके नीचे वाले लेवल का। तो आप जो है ये सब स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं, ठीक है। और करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा एक बार और, तो आप जो भी अभी भी इनकरेक्ट हुआ हो वो भी करेक्ट हो सकता है, एक और चांस आपको दिया जाएगा। तो कोई भी अपडेट आएगी जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।